क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे? क्या एमएस धोनी एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन होंगे? क्या ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स जाने देगी? केएल राहुल और एलएससी का क्या होगा? ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आईपीएल 2025 के प्रोबेबल रिटेंशन। रोहित ने जिस राहुल को ठुकराया, विराट उसे कप्तान बनाएंगे। So, IPL में रिटेंशन को लेकर सबसे बड़ी उत्सुकता है हार्दिक पांड्या, जो मुंबई इंडियंस के कप्तान रहने वाले हैं, नई टीम बनाई है। आई डोंट थिंक किसी फ्रेंचाइजी में इतनी हिम्मत होगी कि वो पांचों के पांचों प्लेयर्स को रिटेन करे। महेंद्र सिंह धोनी का भी कंफर्म नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा चेन्नई वाले खुद कह रहे हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मी टू अनाउंस द रिटायरमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उस टीम की जो बिना कुछ सोचे 6 रिटेंशन कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ 5-time IPL winning champions मुंबई इंडियंस की। मुंबई के पास स्टार प्लेयर्स लाइक रोहित, सूर्या, बुमराह, हार्दिक, तिलक और ईशान है, जिसमें से कोई भी अगर ऑक्शन में जाता है तो 15 करोड़ तो ले ही लेगा। पर MI के पिछले साल के रोहित हार्दिक सागा को देखते हुए सबको ये डाउट है कि क्या रोहित शर्मा MI के लिए खेलेंगे। और इसी डाउट को लेके रिसेंटली एक खबर आती है कि MI ने रोहित शर्मा के साथ बैठ कर सब कुछ क्लियर कर दिया है और वो उन्हें टॉप रिटेंशन भी देने वाले हैं और हो सकता है कि वो फिर से मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी बन जाए। आपको क्या लगता है, क्या रोहित को फिर से MI की कैप्टनसी एक्सेप्ट करनी चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिख के बता दो। तो इन खबरों को मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से मुंबई ये 4 रिटेंशन करेगी, रोहित, हार्दिक, बुमराह और स्काई। प्राइस सभी का इक्वली 17 करोड़ दिया जाएगा और जो बचे हुए 4 करोड़ है उसमें तिलक वर्मा को रिटेन कर देंगे। अनकैप्ड प्लेयर में निहल वडेरा को रिटेन कर सकते हैं, जिन्होंने पिछले 2 साल में मुंबई के लिए शानदार परफॉर्मेंस दिया है। अब मुंबई के बाद गुजरात की बात करना तो बनता ही है। अगर GT पे नजर डाले तो इनके पास गिल, शामी, राशिद और साई सुदर्शन जैसे प्लेयर्स हैं जिन्हें वो रिटेन कर सकते हैं। पर सुनने में आ रहा है कि GT राशिद खान को टॉप रिटेंशन रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से शुभमन गिल कुछ खुश नहीं है और हो सकता है कि वो GT में रिटेन होने से मना कर दे। पर मेरे हिसाब से GT शुभमन गिल को नहीं जाने देंगे, क्योंकि पिछले साल ही हार्दिक के जाने के बाद उन्होंने तुरंत ही गिल को कैप्टन बना दिया था, जिसका मतलब ये है कि वो गिल पे काफी कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। GT की रिटेंशन पे नजर डाले तो शुभमन गिल और राशिद खान दोनों को 18 करोड़ दे सकते हैं, क्योंकि गिल GT के कैप्टन के साथ साथ फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट है और राशिद खान T20 के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है। साई सुदर्शन को 11 करोड़ में GT रिटेन करना चाहेगी, क्योंकि साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस GT के लिए काफी शानदार रहा है और उन्होंने हमेशा इंपॉर्टेंट मैचेस में क्लच इनिंग्स खेली है। अनकैप्ड प्लेयर में राहुल तिवाटिया को GT जरूर रिटेन करना चाहेगी, क्योंकि राहुल तिवाटिया अगर 4 करोड़ में मिल जाते हैं तो उससे बड़ी स्टील डील कुछ हो ही नहीं सकती। उनके जैसा इंडियन फिनिशर बहुत ही कम देखने मिलता है। अब बात करते हैं 5-time IPL विनिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स की। CSK के टॉप रिटेंशन उनके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, क्योंकि पिछले 3 साल में उनके जितना कंसिस्टेंट किसी ने भी परफॉर्म ही नहीं किया। CSK अपना सेकेंड रिटेंशन सर रविंद्र जडेजा को करेंगे। भले ही जडेजा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है, पर IPL में वो अभी भी काफी इम्पोर्टेंट प्लेयर है और जिस तरह से उन्होंने 2023 का IPL जिताया था, उन्हें रिटेन करना तो बनता ही है। 11 करोड़ में मथीश पथिराना को CSK रिटेन कर सकती है। भले ही 11 करोड़ पथिराना के लिए थोड़े ज्यादा है, पर CSK ने अपने 2 साल पथिराना में इन्वेस्ट किया है और जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस हुआ है, स्पेशली डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालना, वो किसी भी बॉलर के लिए काफी मुश्किल होता है। अनकैप्ड प्लेयर में तो उन्हें बस एक प्लेयर ही नहीं बल्कि एक लेजेंड MS धोनी मिलने वाला है, तो उनको तो वो पक्का रिटेन करेंगे। अब दो ऐसी टीम्स की बात करेंगे जो अपने कैप्टन्स को रिटेन ही नहीं करने वाली। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो एक टाइम पर ऋषभ पंत के लिए इतना प्यार दिखाती थी कि उनके IPL ना खेलने के बाद भी उनकी जर्सी को डगआउट में लगाई हुई थी, आज वही दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऋषभ पंत को कैप्टनसी से निकालना चाहती है। अगर आपको पता ना हो तो दिल्ली कैपिटल्स के 2 ओनर्स है, GMR ग्रुप और JSW, जो 2-2 साल के लिए टीम को मैनेज करते हैं। JSW के ओनर पार्थ जिंदल ऋषभ पंत को कैप्टन रखना चाहते हैं, पर GMR ऋषभ पंत को कैप्टनसी से निकालना चाहती है और अभी 2 साल दिल्ली कैपिटल्स का मैनेजमेंट GMR के हाथ में है, तो जैसा GMR बोलेगी वैसा ही होगा। बस ये ओनर्स के यही भसड़ के बीच सुनने में आ रहा है कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि DC के पास ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं बचेगा जिन्हें वो 18 करोड़ में रिटेन करे। तो मेरे हिसाब से अगर ऋषभ पंत रहते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स 3 प्लेयर को रिटेन करेंगे, पंत, अक्षर और कुलदीप, और अनकैप्ड प्लेयर में अभिषेक पुरेल को भी वापस ले लेंगे। अगर ये होता है तो दिल्ली का पूरा कोर
वापस आ जाएगा। पर अगर पंत नहीं रहते तो मेरे हिसाब से दिल्ली किसी भी प्लेयर को रिटेन नहीं करेगी। दिल्ली के जैसे ही लखनऊ की टीम में भी काफी कॉन्ट्रोवर्सीज है, जो कि हमने पिछले साल ही देख ली थी, जहां SRH के अगेंस्ट हारने के बाद संजीव गोयनका KL राहुल को सबके सामने डांट देते हैं। बस तभी से इनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा और सबको यकीन था कि KL राहुल LSG छोड़ देंगे। और रिपोर्ट्स की माने तो यही सामने आता है कि LSG KL राहुल को रिटेन नहीं करने वाली और उसकी जगह निकोलस पुरन को 18 करोड़ में रिटेन करके कैप्टनसी भी दे सकती है। निकोलस पुरन फिलहाल जिस फॉर्म में खेल रहे हैं, उन्हें रिटेन करना तो बनता ही है। उनके साथ साथ LSG 14 करोड़ में मयंक यादव और 11 करोड़ में रवि बिश्नोई को भी रिटेन कर सकती है। अनकैम्प्ड में LSG आयुष बदोनी और मोहसिन खान जैसे यंगस्टर को भी रखना चाहेगी। RTM की मदद से अगर LSG मार्कस टोइनिस को टीम में वापस ला सकती है तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बस यही थे सारे टीम्स के प्रोबेबल रिटेंशन। अगर आपको RCB, KKR और बचे हुए 5 टीम्स के रिटेंशन देखने हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जो आपको आई बटन पे दिख जाएगा। जाने से पहले अपने फेवरेट टीम के 6 रिटेंशन कमेंट से बता दो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। IPL रिटेंशन का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दो। ईशान किशन पे वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।